सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक या जो हमारा पूरा अनुभव है, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट से लेके सेकेंड एडिशन से लेके कमीशन तमाम जो बैठे, जो SFS का अनुभव है, मतलब जो हमारे पोस्ट अनुभव है उनको संज्ञान में ना लेके, उनको ध्यान में ना रखते हुए और सीधा जो है वो अमेरिका का मॉडल यहाँ पे लागू कर दिया। सही है, हमारे साथियों ने भी कहा अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में वो तो मल्टीपल एंट्री है, ठीक है, या जो चार ईयर की डिग्री उनके अपने अलग हालात है, हो सकता है उसमें उन्हें वहाँ पे कुछ कामयाबियां मिली थी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि केवल वहाँ की नकल करके केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है और तथाकथित इस उद्देश्य से कि भारत को हम विश्व गुरु बना देंगे एजुकेशन में, इंटरनेशनलाइजेशन का पूरा, केवल इन दो उद्देश्यों को लेके, और ये भी कितने पूरे होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के ठोस हालात, हमारे जो ज्यादातर बच्चे जो सोशली और कल्चरली और एजुकेशनली या आर्थिक रूप से बैकवर्ड जगहों से आते बैकग्राउंड से, उनको पूरी तरह से दरकिनार करके ये जो पॉलिसी बनाई है इसमें ही अपने आप में बहुत बड़ा एक्सक्लूजन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पॉलिसी में इतने कॉन्ट्रडिक्ट, इतने विरोधाभास है, इसमें इतने गैप्स है, कहा कुछ और गया है और इसका असली मकसद कुछ और है। आप कह रहे थे नरेंद्र जी हमने तो ये 20 में पढ़ लिया, हमने इतनी जगह वर्कशॉप भी ले ली, हमने सिलेबस भी करा लिया और फिर भी बहुत सारी चीजें जो है वो हमें समझ में नहीं आई है, मतलब कितने विरोधाभास है इस पॉलिसी में। अब मैं अपने विषय पे आती हूँ, मेरा विषय है कि 4 साल की डिग्री की हूँ, इसके फायदे नुकसान, और दूसरा जो है हम जब भी चाहे छोड़ते हैं, फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं, सेकंड में छोड़ते हैं, थर्ड में, मैं माफी चाहूंगी एक आधी टर्म मुझसे इंग्लिश में निकल जाएगी, आप प्लीज माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसका मतलब समझाने की। देखिए ये जो दोनों चीजें हैं जो मेरा विषय है, इसमें सबसे पहली बात ये है कि ये जुड़े हुए हैं इस पॉलिसी का मकसद क्या है और इस पॉलिसी के तहत जो ढांचागत बदलाव जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षण संस्थान है उसके ढांचे में ही इस तरह से बदलाव करना के वो ढांचा जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक हो जाए, वो ढांचा जो है वो फ्लेक्सिबल लचीला हो जाए, उसमें 1,000, 2,000, 3,000 में हजारों बच्चे, कैंपस बेस्ड बच्चे, तो इस तरह से ये ढांचा बड़े ढांचागत बदलाव से जो है ये पॉलिसी जुड़ी है और मकसद जो है इनका, मतलब मैं बिल्कुल सुनिए से सहमत हूँ, इतने सुंदर वर्ड रहे कि हमें भी जो है शुरू में जब हमने पढ़ा मकसद क्या है, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, सबको शामिल करना, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, ये तमाम जो मकसद है, और सबसे बड़ा जो इन्होंने मकसद ये कहा कि अब तक जो है हमारी एजुकेशन वो थी उसमें बाउंड्रीज थी, मतलब उसमें आर्ट्स अलग है, साइंस अलग है, प्रोफेशनल कोर्सेज अलग है, गैर प्रोफेशनल कोर्सेज अलग है ना, उसमें जो है वोकेशनल कोर्सेज नहीं है जो रोजगार उन्मुख कोर्सेज हैं, उसमें करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर अलग है ना, तो इस बाउंड्री को तोड़ते हुए साइंस की, आर्ट की, है ना, एकेडमिक की, वोकेशनल की, करिकुलर की, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारे बाउंड्रीज, ये सारे जो बीच में दीवार है कि हम साइंस को दर्जा ऊंचा या आर्ट्स को जो इसका दर्जा नीचा, ये तमाम बाउंड्रीज को तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस ये है कि हमारी सारी शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक, मतलब अभी तक तो हम केवल या आर्ट्स लेते थे, बीए में 4 सब्जेक्ट्स होते थे, इंग्लिश, हिंदी, कंपल्सरी, बाकी 2 सब्जेक्ट, या हम साइंस लेते थे या हम कॉमर्स लेते थे, तो इस तरह से वो स्ट्रीम्स जो है वो एक टांगी स्ट्रीम्स थी, इन्होंने कहा वो फ्रेगमेंटेड एजुकेशन, वो टुकड़ों में शिक्षा थी और वो आपका बच्चों का सर्वांगीण विकास वो ऐसे एजुकेशन नहीं कर सकते थे, तो हमने ये फ्रेगमेंटेशन को और इस सिंगल स्ट्रीम को और ये पूरा जो एकांगी विकास है केवल एक चीज पढ़ ली, बाकी सब स्ट्रीम से जो अनभिज्ञ रहे, वोकेशनल से अनभिज्ञ रहे, पुनर विकास से अनभिज्ञ रहे, लैंग्वेज अरेंजमेंट से अनभिज्ञ रहे, ये तमाम जो है इस एकांगी तरह की शिक्षा को हम सर्वांगीण विकास जो है चाहते हैं कि सब तरह की शिक्षा एक साथ ले, हायर एजुकेशन BA। इसी मकसद से जो है इन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन शुरू किया, 4 साल तो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, 3 साल में भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी BA, आम
ऑनर्स होगा और ऑनर्स में भी आप बीए विद रिसर्च शोध शोध के साथ बीए, तो इसमें ये कैसे हायरार्की अलग तरह की बनाएगी? इन्होंने ये हायरार्की तोड़ने की कोशिश की है बहुविषयक बना के, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह से पहले नालंदा तक्षशिला ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज थी जो कैंपस पे थी, हजारों जिसमें बच्चे पढ़ते थे, 60-60 तरह की कलाएं उसमें थी, और उस तरह की शिक्षा जो है अब दोबारा से आए ताकि भारत के गुरु इनके हिसाब से बन सके। अब मैं आती हूँ अपने बिल्कुल कोर्स अपने विषय पे, फोर ईयर की जो डिग्री है। अब आप देखिए कि ये जो फोर ईयर की डिग्री है क्यों की, इसका असली मकसद तो है कि हम विश्व मॉडल पे इंटरनेशनलाइजेशन करने के, हमारे बच्चे जो है एट पार हो जाए विदेशी यूनिवर्सिटीज के बच्चों से। लेकिन ये इतना साधारण नहीं है, है ना? इन्होंने कहा कि ये डिग्री हमने इसलिए की कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो है मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आप देखिए जो बीए का फर्स्ट पार्ट होगा वो तो केवल इंट्रोडक्टरी है, वो तो केवल फाउंडेशन है, जैसे नींव डालते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, थर्ड पार्ट जाके बीए थ्री में हाई जो है वो लेवल आएगा, बीए फोर में जाके वो एडवांस लेवल आएगा, है ना? तो आपको बी ए बनने को जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे मल्टी डिसिप्लिनरी, को मैं फिर से समझा देती हूँ कि तीन सब्जेक्ट जो है वो आपके मेजर जिसको कहते हैं वो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक होंगे। मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, मान लिया इंग्लिश पढ़ना चाहते हो फर्स्ट ईयर में, आपके केवल तीन सब्जेक्ट्स जो है जो दो दो नंबर का क्रेडिट क्रेडिट बेस्ड जो कहा गया चॉइस परसेंट, ये क्रेडिट वर्ड ये तमाम सारे जो है ये हम जानते हैं कि अमेरिकन मॉडल से है, विदेशी यूनिवर्सिटी से है। इनमें किसी सब्जेक्ट में चार क्रेडिट मिलेंगे, किसी में तीन, किसी में दो, किसी में ये क्रेडिट जो है ये आपका एक बैंक बनेगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक, और उस बैंक में ये सारे क्रेडिट जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं चार साल की डिग्री पे आती हूँ। अब जो पहले चार साल में जो पहला साल है उसमें पहले दूसरे में उसमें आपको जो आपने जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो मेजर जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने बोला है वो केवल तीन होंगे, तीन मेजर सब्जेक्ट के अलावा। उसके बाद फिर माइनर होगा, फिर जो है लैंग्वेज एनहेंसमेंट का होगा, एबिलिटी कैसे बढ़ाए इसका होगा, वोकेशनल वैल्यू एडेड कोर्स, ये तमाम जो है ये सब्जेक्ट होंगे पांच। यानी आप जो मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो लगभग 50-55% होगा, और बाकी जो दूसरे आप जिसको ये बहुविषयक सब्जेक्ट कह रहे हैं वो होंगे 50% या 45-50%। तो इस तरह से अब आप देखिए कि आपने जो है एक तरह की हायरार्की तोड़ने के लिए विज्ञान की और कला की हायरार्की तोड़ने के लिए, या एक विषय की या बहुविषय की हायरार्की तोड़ने के लिए उससे बड़ी हायरार्की आपने खड़ी कर दी। कौन सी बड़ी हायरार्की? कि एक जो गरीब लड़का है या लड़की है, या जो रूरल है, या जो ट्राइबल है, या जो माइनॉरिटी है, एक आम आदमी या गरीब के लिए जो है वो कौन सी डिग्री? वो बीए तीन साल की डिग्री। और जो साधन संपन्न है ना, किसके पास पैसा है, वो अब रिसर्च के लिए भी उन्होंने कहा 75%, वो बहुत सारी और चीजों में मैं नहीं जाऊंगी, तो उनके लिए जो है वो चार साल की डिग्री। ये हायरार्की आप बताइए कितनी नुकसानदेह हायरार्की है। अब चार साल का करने में क्या है, एक तो लड़कियों के लिए आप देखो तीन साल वैसे बड़ी मुश्किल से एक साल एक्स्ट्रा मिला, एक साल की आप कॉस्ट निकालो, है ना, एक्सपेंसिव ज्यादा हो गई, महंगी ज्यादा हो गई। लेकिन मुझे उससे ज्यादा आपत्ति इसमें है कि आप तो कहते हैं कि हमारी शिक्षा इंक्लूसिव सर्वसमावेशी बनेगी, ये तो आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया, जितने गरीब हैं, लड़कियां हैं, रूरल है, ट्राइबल है, वो तो सारे इससे अलग एक्सक्लूड हो गए, और अब कौन सी गरीब है, इन सबका मूल्य उसमें मूल्य कैसे आएंगे? अगर तीन साल की डिग्री वाले बच्चे, अगर चौथे साल की डिग्री में एक ही तरह के साधन संपन्न बच्चे हैं, तो उसमें आप कौन से समता मूलक विचार दे रहे हैं? वो तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो लॉट ही अलग है, वो प्रिविलेज लॉट है। और इसी तरह से जो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री है, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको हमने बहुत विस्तार से पढ़ा, ये कई जगह बहुत कामयाब भी है, उससे अपने कोई फायदे भी है, वो उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि टाइम की कमी है। मतलब आप किसी भी समय आप एक साल बाद छोड़ देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दो साल बाद छोड़ देंगे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तीन साल बाद छोड़ देंगे आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये अब आप देखिए कई एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मल्टीपल एक्सीडेंट भी सही भी साबित हो सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है क्लास एंगल से और जेंडर एंगल से, हमें ये देखना है फिर से कि जो हमारे
बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, और उसमें खास तौर पे जो लड़कियां हैं उनमें फिर वही हायरार्की बन जाएगी। और इससे भी ज्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ, जो छोड़ना ये जो मल्टीपल एग्जिट एंट्री हमारे देश के हालात के हिसाब से, कि देखिए ड्रॉप आउट पहले मुख्य चिंता थी, और ड्रॉप आउट के क्या कारण है इसको जानने की, इसको एड्रेस करने की, ड्रॉप आउट को आप संबोधित करो, इसका कितना दबाव था। अभी तो जो है आप ड्रॉप आउट को एक तरह से लेजिटिमाइज कर दिया, मतलब ड्रॉप आउट हो गए कोई बात नहीं, अभी तो सारे सिस्टम पे ही ऐसा है, कोई बात नहीं, आप एक साल की करके दोबारा से मतलब ड्रॉप आउट के कारणों को जानने के बजाय वो उसको ये कह रहे थे इससे एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा, तो एक तरह से ड्रॉप आउट को आपने वैधता एक तरह से दे रहे हो। चॉइस का मामला, चॉइस बड़ी चीज होती है हम जानते हैं सारे, और खासतौर पर लड़कियों के संदर्भ में, लेकिन आप देखिए ना यहाँ के हालात, अपनी पसंद से लड़की शादी कर ले, अपने शरीर तक पे उसकी चॉइस नहीं है, वो कौन सा कब छोड़ेगी उसका बेटी, मतलब आएगी ये क्या लड़कियों की चॉइस हो सकती है, रूरल कास्ट के जो बच्चे, तो चॉइस के नाम पे जो है ये इन सब के साथ, इन तत्वों के साथ बहुत बड़ा, मैं तो कह रही हूँ, एक धोखा है। लड़कियों जो है आप जानते हैं किस तरह से उनका जीवन पैट्रियार्की में चलता है, उसमें उनके लिए या इवन गरीब बच्चे के लिए इसको चॉइस के नाम पे बनाना मैं इसको भी सही नहीं मानती। कुल मिला के मैं इसको इस तरह से कहूंगी, ये मेरे अपनी वर्ड है कि इसमें प्रिविलेज इनका प्रिविलेज, वो साधन सब बनता उसको और ज्यादा मौके और ज्यादा साधन आपने दिए हैं, और जो अदर था, जो अन्य था, जो हाशिए पे था, वो और ज्यादा उसका अन्य होगा, हाशिए पे होगा। कुल मिला के ये नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी ज्यादा लग रही है गरीब के लिए, कमजोर के लिए, और जो नॉन इगैलिटेरियन पॉलिसी, मतलब कहते ये है कि समता मूलक मूल्य और समान सारे, लेकिन इसमें समता मूलक जो है वो चीजें बहुत सारी ऐसी है जिसमें आपने हायरार्की बना दी, गरीब बच्चों के लिए ये और अमीर बच्चों के लिए रिसर्च, गरीब बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट, अमीर के लिए। बस आखिरी एक मिनट में होंगे इंटरवेंशन पे, देखिए ये पॉलिसीज तो ज्यादातर जगह लागू हो चुकी है, इसमें वापस लो मुझे थोड़ा सा, अब ये 3 साल हो गए कोविड में हमें पता नहीं चला, बाकी पिछले साल 22 में 23 में यूनिवर्सिटीज ने तो बहुत सारी वर्कशॉप की है, अब और वो अलग बात है उस वर्कशॉप के बाद की बात भी बहुत ज्यादा सा किसी को समझ में नहीं आया, ये भी सच्चाई है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इसमें जो हस्तक्षेप है, हमारा हस्तक्षेप और मुख्य चीज पे बनता है, ये जो ढांचागत बदलाव, ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनमें जो बदलाव, अब आप देखिए ये कह रहे हैं कि 3,000 से कम जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा वो नहीं चल सकता, उसको आपको मर्ज करना पड़ेगा, वो क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, वो हब्स बनाने पड़ेंगे नॉलेज, सिर्फ 4% ऐसे कॉलेजेस हैं जो 3,000 से ऊपर है, अगले 4% ऐसे हैं जो 2,000 से 3,000, और बाकी 99% कॉलेजेस इसे मतलब वो जो है उनको धीरे धीरे या तो मर्ज करो या उनको खत्म करो। कौन से कॉलेजेस खत्म होंगे? कॉलेजेस वो खत्म होंगे जो रूरल है, जो हमारे जो ऐसे जो आर्थिक रूप से जो लड़कियां हैं वो कहाँ से आएंगी, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने नाम दिया मेरू। हम ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू, हर डिस्ट्रिक्ट में हम जो है वो एक ऐसी मेरू जरूर बनाएंगे, और केवल कुछ ही कॉलेजेस, ज्यादा से ज्यादा 300-350 कॉलेजेस जो है वो उससे एफिलिएटेड रहेंगे, बाकी सारे कॉलेजेस जो है धीरे धीरे क्रेडिट होंगे, ऑटोनोमस होंगे वगैरह वगैरह, उसमें मैं नहीं जाती। तो अब आप देखिए ये जो कॉलेजेस बंद होंगे इसका नुकसान किनको पड़ेगा? इसका नुकसान लड़कियों को पड़ेगा, इसका नुकसान जो है वो गरीब है उसको पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है मैं समझती हूँ कि इसमें हमारा जो है वो सबसे ज्यादा हमारा हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के साथ साथ ये सेंट्रलाइजेशन जो हो रहे हैं सारी जो ऊपर एक अथॉरिटी है वो रिसर्च, बस मैं एक उदाहरण और देती हूँ, ये जो आपने कहा सेंट्रलाइज उदाहरण ये रिसर्च को लेके आप देखिए रिसर्च को लेकर ऊपर ये बना दिया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अभी एक महीना पहले एमपीयू में रिसर्च की वर्कशॉप थी जिसकी मैं कन्वीनर थी, उसमें वो जो आए दिल्ली से उन साथियों ने ये कहा कि आप देखिए 2-4 महीने बाद रिसर्च के जो टॉपिक्स है, जो मुख्य एरिया है वो फिक्स्ड होंगे, उन्हीं एरिया में से आपको रिसर्च के टॉपिक छांटने पड़ेंगे ये भी। और दूसरी बात जो मैं आज तक मुझे लग रहा क्या होगा, हर स्टूडेंट को ये सर उन्होंने कहा, ये मैंने लिखा हुआ है मिनट्स में, उन्होंने कहा कि हर स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट का हो, आर्ट साइंस प्रोफेशनल गैर प्रोफेशनल, उन्हें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो आपने विषय लिया है इस विषय पे हमारे वेद और उपनिषद क्या कहते हैं, क्या इन विषयों का वेद और उपनिषद में मेंशन है, अगर नहीं है तो भी आप लिखो कि नहीं है। अब उसका क्या मतलब है, कौन ये लेगा मतलब नहीं लिखने के, इसका मतलब सारे को पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने वैसे लिख दिया नहीं है तो फंसे आप, है ना, और अगर लिख दिया है तो कहां
हमारा किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो इस तरह का पूरा जो नेशनलाइजेशन, ये ओवर जो सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। और बस अंतिम बात में ये कहना चाहती हूँ इंटरवेंशन पे, अभी तो देखो इसके असेसमेंट की बात आ ही रही है, इसमें असेसमेंट में इतना खर्च हमारा होने वाला है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आप देखिए जो वोकेशनल एजुकेशन है या जो कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो समुदाय के साथ जो आपका जुड़ाव है, सोशल आउटरीच प्रोग्राम 30 घंटे का करके आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, आपको 120 क्रेडिट चाहिए, 4 क्रेडिट चाहिए, उसके लिए आपको 120 घंटे कम्युनिटी एनजीओ और उन सबके साथ, तो कोई नहीं करेगा 120 घंटे, वो जो क्रेडिट लेने के लिए नीचे जो है अभी सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसमें भी हम कर सकते हैं कि हमको एनजीओ जो तमाम जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास बच्चे हैं वो सच में उनको जो है उतना काम करवाए, और असेसमेंट के लेवल पे बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं समझती हूँ हमारा जो ढांचागत बदलाव और जो ये असेसमेंट है इसमें अभी हम कर सकते हैं, और जो कमेटियाँ नीचे बनी उसमें महिलाएं भी हों, दलित भी हों, तो ये जो केंद्रीकरण है इसको ना करके नीचे जो हमारी यूनिवर्सिटी में कमेटियाँ बने वो जो है सारी सर्वसमावेशी कमेटियाँ हों, और जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो कमेटी है वो जरूरी।